और अगर मैं नहीं हंसा तो भी आप हंस रहे हो, तो भी आपको मैं भड़क रहा हूं। हमारे मुंबई में एक प्लेस है, उसका नाम है ऐसे पे करते हैं ऐसे प्रश्न। कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी को है ना मसीहत को अलग तरीके से दिया है। अगर आप लोग बोल दोगे ना मसीह में गंभीर हो ना
Chicago. अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया था, उससे बदल की इतनी हड्डियां टूट गई कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से स्टार्ट करें वाला है। डॉक्टर जितना हुआ उसके लिए किया। जब 6 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो आदमी अपने घर के घर आया तो वो जीवन भर उसको ऐसा बताया गया कि व्हील चेयर को चुनना पड़ेगा और उसने कम 1 साल हड्डियों को कसरत से चलाया। एक दिन तो अपने घर से बाहर निकला चेयर पे और एक चर्च के सामने जा पहुंचा जहां पर आवाज आ रही थी कुछ गीतों की और उसने देखा कि मैं देखूं कि क्या हो रहा है। और जैसे वो चर्च के अंदर आया एक पैरिश प्रीस्ट और वो यीशु मसीह के लिए कुछ बता रहे हैं और प्रचार होने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। अगले दिन ये वापस उस मीटिंग में गया प्रभु का वचन सुनने के लिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी दवाई है। 7 महीने करीब चर्च के जाने के बाद वो पूरी तरह से चलता हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी व्यक्ति ने मूवी बनाई एशन ऑफ द क्राइस्ट मैरिज। Do you know? उसने इस मूवी को पैशन नाम दिया है। पैशन ऑफ द क्राइस्ट। पैशन ऑफ द क्राइस्ट का मतलब जानते क्या है? मसीह का जुनून। और आप पूरे इतिहास में देख लो इस मूवी में यीशु का एक मैरेक्टिव ने बताया गया सिर्फ उसके जीवन के अंतिम 13 मिनट दिखाए गए कि व्यक्ति मरने के लिए कितना जुनूनी था। जब यीशु मसीह को काना नगर में उसकी मां कहती है पानी को लाकर सर कहते वो क्या कहता है? मेरा समय नहीं आया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? शादी जैसे माहौल में भी उसे यही याद था कि उसे एक दिन मरना है। ये पैशन जो आज की मसीहत खो चुकी है, आज की मसीहत सिर्फ एक दूसरे काम खींचती है, जो चढ़ता है उसे नहीं चढ़ता है। कैसे नहीं है? आपकी उन्नति बहुतों को बर्दाश्त नहीं होगी आज। और बहुत सारे सीनियर लोगों को बिल्कुल नहीं होंगे ट्रस्ट में, क्योंकि याद रखिएगा आज मसीहत की मसीहत दुश्मन है। एक परमेश्वर की मान ने कहा शैतान बीज को मारने के लिए बीज का उपयोग कर रहा है। बीज को मारने के लिए बीज का उपयोग कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली सच में यीशु मसीह के पीछे कौन से लोग चल रहे हैं। एक कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे। क्या मैं बाइबल बताती है एक दिन कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। इनकी मुलाकात डायरेक्ट प्रभु से नहीं हुई। ये फिलिपुस से मिले, आंद्रियास से मिले और इन्होंने एक सवाल पूछा, महाशय हमेश को देखो चाहते। अब ये सवाल लेकर ये दोनों यीशु के पास गए और यीशु को कहते हैं खुदा को तो देखने के लिए आया है मिलने। अब यीशु को क्या कहना चाहिए? ठीक है उनको बिठाओ या अंदर भेजो। पर यीशु ने ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया। यीशु ने अपने हाथ में कुछ गेहूं के कुछ बीज से अपने हाथ में लिए उसे जमीन पर फेंका और कहा जब तक ये हाथ में है ये फल नहीं आएंगे क्योंकि जब ये नीचे गिरेंगे तो ये मरेंगे और उनमें से फल आएगा। आपसे सवाल पूछा, सवाल पूछा गया वो आपको देखना चाहते हैं। जवाब दिया गया जमीन पे होके मरना। कभी आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ते हुए ये सोचा सवाल क्या था उत्तर क्या था? सवाल है खुदा को तुम्हें देखना चाहते और जवाब है जमीन में बीज देखो वो टूटेंगे फल देंगे। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए इस सवाल का और कोई उत्तर जो यीशु ने दिया और कोई उत्तर है ही नहीं। उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा आप जानते हैं जब तक आप जमीन पे पड़ के मरते नहीं है यीशु आपके अंदर कभी नहीं दिखाई देते।
ईशु को समझा रहा था, देखना चाहते हैं ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, तुम वो करो, वो तुम्हारे अंदर मुझे देखते हैं। प्रभु क्या कहता है, नीचे हो जाओ, मर जाओ अपने लिए, अपनी इच्छाओं में, तब लोग तुम्हें तुम्हारे अंदर मुझे देख पाएंगे। अपने मरने से एक बार पहले उसने अपने हाथ में योगी तोड़ के कहा, उसने ये नहीं कहा कल मैं इस तरह टूटूंगा, उसने कहा मैं इस सामान तोड़ा गया। आप में से कितने लोग की बात चाहते हैं, टूटना क्या होता है, अगर आप टूटे हुए नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक दिन आप चर्च तोड़े हर वो व्यक्ति जो हमारे कलीसिया में बैठा है वो टूटा हुआ नहीं है, मैंने देखा है, कोई चर्च को नहीं कोशिश करता, इतिहास प्रभाव है, जब टूटना क्या होता है, शुक्र है ना, जब तुम सब कुछ खड़े हो रहा है। बहन ने कहा मैं किस्सा नहीं सुनती, मैं मुझे बोल देती हूँ, अच्छी बात है, आप सावधान के नहीं हो, आप अपने गंदे दिल को दूसरों को चिल्ला के सेटिस्फाई कर दोगे, मैंने भी छोड़ा। लाइफ में कई बार ऐसा हुआ मुझे ऐसे ही गाली पड़ी, जब मेरा कोई कसूर भी नहीं था और मेरे अंदर से खुदा कह रहा था डोंट स्पीक अ वर्ड। आज आप किसी को भी कुछ बोलो ऐसे टेबल पर जाएंगे, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, आप टूटे हुए नहीं है। उल्टा आपको जब परमेश्वर तोड़ने की कोशिश करता है तो आप सब लोग कर रहे हैं। 40 साल तक परमेश्वर मूसा को तोड़ता है, 20 साल तक परमेश्वर याकूब को तोड़ता है, कभी आपने इस बारे में सोचा, 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को पुराने नियम का पूरा ज्ञान था पर फिर भी वो सिर का ही करने के लिए क्यों नहीं। आज तो आप देखो कोई भी टाउन डिगन है कोई भी मिनिस्ट्री करता है, आज तक कोई किसी पर हाथ रखे ना वो गिर जाए ना वो अपने को गरीब समझ लेता है, मैं भी कुछ इस पर सिर गई, मैं आज भी फुल टाइम यूनिवर्सिटी में नहीं हूं, मैं अपने काम पे जा रहा हूं, लगता है कि हाँ आज मैं जाना चाहिए और बहुत काम है, मैं निकल जाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को हमेशा याद रखिए, टूटना क्या होता है, अगर आप नहीं टूटेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप दूसरों के घर को टूटने का कारण बनेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हन्ना की सौगंध हन्ना को कहती थी कि तुझे परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया, कितने लोगों ने यह पढ़ा है कि हन्ना ने फाइट की, हन्ना ने लड़ा, हन्ना चुप रही, शांत रही, परमेश्वर को देख रही। कई बार परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर रखता है जहां पर आपकी बेइज्जती हो, जहां पर लोग आपको बुरा भला कहें, जहां पर कभी कभी ऐसा माहौल होता है जहां पर खुदा आपको रखता है, जानते हो क्यों, क्योंकि वो आपको ब्रेक कर रहा है। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा, सूरज जब मैं तेरे कमर को तोड़ने दे, अगर तेरा गमन नहीं टूटा तो ये गमन का तेरी शक्ति हो जाती। कई बार परमेश्वर आपको ऐसी नौकरियों में क्यों रखता है जब वो बॉस सबको चिल्लाते हैं। आप देखो बचपन में माँ बाप चिल्लाते थे, पढ़ाई करने के लिए जाओ टीचर चिल्लाती थी, जॉब करने जाओ बॉस चिल्लाता है, शादी करो सास बहू चिल्लाती है। क्यों परमेश्वर ने हमेशा आपको किसके नीचे रखा है? One reason, ताकि आपका ईगो ब्रेक हो। इस ईगो ने एक और सुंदर स्वरूप को शैतान बना दिया और नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बना दिया। कई लोग सोचते हैं नम्रता का मतलब जानते हैं क्या? जेलस होना, किसको इनवाइट करना। कभी कभी सच्ची बोलता हूँ, ये जो होता है ये भूल होता है, ये लोग हमके लिए उल्टा सीधा बात करते हैं। जानते हो सच्ची नम्रता क्या होती है? कि आप लोग बोलते हो ब्रदर सिस्टर।
पास्टर आपको जो बात करनी है मेरे लिए करूँ, मैं आपके लिए कोई मतलब नहीं करूँगा। आमीन आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू अ ब्रोकन पर्सन? क्या आप टूटे हुए व्यक्ति? जब परमेश्वर आपको तोड़ने की कोशिश करता है लोगों के थ्रू, तो क्या आप उस अधिकार का उपयोग करते हैं? आज की जनरेशन को एक ही चीज चाहिए, फ्रीडम। मुझे कोई बोलने वाला ना हो। अगर माँ बाप ने कहा फोन 12 बजे यूज करो, उसके बाद यूज मत करो, मैं अपना सेल फोन रात को 11 बजे के बाद टच तक नहीं करता। आप मुझे कभी भी देखो कि मैं 11 बजे के बाद फोन नहीं बैठा। मेरा फैमिली है, मुझे उसको भी टाइम देना है। पर कुछ लोग आप देखो ऐसे कुछ से बैठे मैसेजेस आए, क्या भी है आपकी लाइफ है, आप क्यों की शांति गवा रहे हो अननेसेसरी पेस? क्यों आपने कभी ये सोचा ये क्यों यीशु मसीह का राई का दाना गेहूं का दाना जब जमीन में पड़ते मरता नहीं है, वो कभी फल नहीं है? मैं हर दिन घर पे आके बोल रहा था मम्मी को कि मैं नौकरी छोड़ क्यों, बॉस चिल्लाता है, गाली देता है, माँ बेटी गाली देता है, मेरी माँ मुझे बोलती है तू जाएगा नहीं, कमाई नहीं कैसे, खाई नहीं कैसे, मेरे डैडी पहले उन दिनों में खराब हो गई, मैं अकेला जाता था, मैं हमेशा वहाँ पर एक बार लेके बैठा। तो विश्वासी हुआ तो मुझे पता चला कि परमेश्वर को दूर रहे। जानते हो घमंडी आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसे कभी महसूस नहीं होता कि गलत है। उसको कन्विंस करो, ये ना कभी कभी आप लोगों को करेक्ट करोगे ना, वो ऐसा नहीं बोलेगा थैंक यू, ऐसा नहीं बोलेगा। एक बार मेरे को किसी ने बोला कि मतलब ये ऐसा है क्या, तो मैंने लिखा नहीं ऐसा नहीं है। बजाय इसके कि वो मुझे ये कहे कि मेरी आधी इंफॉर्मेशन को आपने कंप्लीट कर दिया, इसे अब शो नहीं हो रहा है। प्राइड है कि एक तो एक व्यक्ति तुम्हारी हेल्प कर रहा है लेकिन तुम अपने प्राइड को वहां पर लेकर एक्शन 5M लिसन। एक घमंडी व्यक्ति की पहली साइन, उसे कभी अपनी गलतियां महसूस नहीं होती। सेकंड, घमंड कभी आपको नहीं बताएगा क्या घमंडी है। थर्ड थिंग, घमंडी आपकी जल्दी कभी किसी को माफ नहीं करता। चौथा, ये कभी भी नहीं सुनते किसी का। आज भी आप देखो बहुत लोग सुना दो करेंगे वही जो तो पसंद वही करेंगे, ये वर्क की निशानी। मैं आज की जब चर्च के अंदर कुछ करता हूँ तो मैं अपने भाइयों को बुलाता हूँ और मैं सबको कहता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है पहले से करना चाहिए, प्लीज अपनी एडवाइस से। और जब मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, मैं अपनी आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे आज भी जब चर्च के अंदर कोई सवाल पूछा जाता है और मुझे उसका अगर उत्तर नहीं है तो मैं पब्लिकली कहता हूँ मुझे नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उसकी स्टडी करूंगा और अगर मुझे खुदा ने कुछ बताया तो मैं आपको बताऊंगा। बजाय इसके कि मैं घुमा फिरा के आंसर दूं, ये दिखाने के लिए मुझे सब पता है, ये सब राइट, ये घमंड है। किसी को अपने मोबाइल से घमंड है, किसी को प्रॉपर्टी में घमंड है, किसी को इस बात पे भी घमंड है कि मैं इंटेलिजेंट हूं। कुछ बहनें बाल स्ट्रेट करवाएंगी तो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ लेती हैं। घमंड घमंड घमंड। पर कितने लोग पौलुस की तरह कह सकते हैं मुझे उस क्रूस पे चढ़ाया गया मसीह को छोड़कर किसी बात पर? यस आमीन आमीन। भाइयों बहनों मैं प्रभु की किसी को तुच्छ मत जानिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उठा के खड़ा कर सकता है। आमीन। कोई भी क्यों ना हो किसी को तुच्छ न जानिए। एक मैं चेक करना चाह रहा था कि मेरे कलीसिया के लोग नम्र हैं कि पवित्र हैं, जानते मैंने क्या किया? मैंने बहन जो 6 महीने पुरानी थी किसी और चर्च के थे तो प्रेयर करना भी नहीं जानती थी ठीक से, मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा पहले तो समझे करो भैया मुझे नहीं है करो ना ठंडा नो प्रॉब्लम। कभी कभी जो ठीक से बोलते खाना उनको बात भी मिलता है लेकिन बच्चों को भूलना नहीं आता है खाना उनको पहले मिल जाता है। प्रे करो
and she prayed like that. पिता मैं दुआ करती हूँ मेरे भाई सूरज को आशीष दीजिए, मेरे सबको ब्लेस दीजिए, और जितनी भी आत्मिक परिणति ना वो अंदर नस्ते सारा अंदर नस्ते है सारा ऐसे नस रही, और जितनी नस रही थी सबके पर घमंड दिखा, घमंडी के साइन लगते हैं तो दूसरों को तुच्छ लगते हैं। पुरानी बात है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे लिए समय में बहुत गहरा बदला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, जब खुदा एक को उठाता है तो आपको प्रॉब्लम क्यों? आपको पता है जलन एक परिवार और कलीसिया को ढूंढने के लिए काफी है, बहुत सारी बहनें दूसरों के घरों में जाएंगी, एक बहन की लाइफ को वहां पर ओपन करेंगी, ऐसी है ऐसी है ऐसी ऐसी। सुलेमान के सामने एक बच्चा पहुंचा, उसकी दो माएं थी सामने, एक बोल रही थी मेरा है, एक बोल रहा था मेरा है। सुलेमान ने कहा एक काम करो, बच्चे को काटो आधा सो आधा सो। सच्ची माँ ने कहा एक काम करो, उससे देखा सुलेमान जान गया इसका। आप जानते हैं देर कलीसिया को दर्शाई जाती है, एक सच्ची माँ कभी कलीसिया को नहीं काट सकती, एक कलीसिया को हमेशा बनाए। आप इसे कितने लोग हैं मुझे बताइए जो प्रतिदिन लोगों को इंकरेज करते हैं, ब्रदर आप पढ़ सकते हो यस, बजाय इसके ये ऐसा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, आप में से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, आधे से ज्यादा लोगों की जुबान इतनी बढ़िया है कि आप अमेरिका टच करके आते हैं, बहुत बड़ी जुबान है। काम कुछ नहीं, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी, बातें इतनी बड़ी बड़ी कि परमेश्वर भी कभी यीशु मसीह को देखता है, इसकी जुबान मेरे को भी टच कर रही है। जब यशायाह नबी ने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर का जानते हो पहली चीज कौन सी शो हुई उसकी लाइफ में, जब वो खुदा से मिला वो पहली चीज कहता है हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। कई बार परमेश्वर आपको शो करेगा, यू नो ज्ञान पाने के बाद शांत रहना बहुत कठिन होता है, हम सबको पता चलता है मेरे को पता होना बोल दिया। एक बार एक चर्च में हम लोगों ने देखा, एक भाई को पास्टर ने बोला प्रार्थना करने के लिए, एक बार तो हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, एक आदमी को मैंने बोला खाने के लिए प्रार्थना करो, इतनी लंबी प्रार्थना, खाना ही ठंडा हो गया। बात में उसको देखा मैंने कहा नेवर, फिर कभी प्रयत्न करना। आपको मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग जो स्टेज पे प्रार्थना करते हैं ना आधा आधा घंटा, इनकी घर में प्रार्थना 5 मिनट नहीं होती, राइट। लेकिन सिर्फ लिखा है सड़कों पे खड़े होके पुलपिट्स पे खड़े होके इन्हें दुआएं करना अच्छा लगता है, लोग मुझे आप नहीं समझे। आपको लंबी प्रार्थना करनी है कमरा बंद करके करो, लेकिन जब आप पब्लिक ले आते हो सिंपल, परमेश्वर दया नहीं है उसको सब पता है, काफी बात कीजिए पिता मैं यीशु के नाम से आ रहा हूँ, मेरा भाई बीमार है, तेरे कलाम में लिखा है तू चंगा रहता है, इसे चंगा कर यीशु के नाम में आमीन, चंगा हो चुका है। सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि लाजर को जलाने के लिए चलना है, कितने लोग चलेंगे? एक तो चलेगी मेरे साथ, बाकी इनमें से कोई नहीं चलेगा क्या? चलो बंद हो चलेंगे। और सोचो अगर आप में से कोई चलता है तो पहले पहले आप क्या करते? पहले पहले हम उसकी उसकी बॉडी के आजू बाजू एरिया तक चक्कर मारते, कभी कभी तो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि वो जिंदा करेंगे,
यस चेन्नई में कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होता है। मैंने एक बार आदमी को देखा, एक आदमी बीमार था, बुखार था, उसको बोला यीशु के नाम में चंगा हो जाओ, छोटी प्रार्थना की। फिर एक कैंसर का पेशेंट आया, उसके लिए 10 मिनट प्रार्थना की। मैं देखा उन्होंने तो उसके 2 मिनट के 10 मिनट क्यों, उसकी बीमारी बढ़ी थी। एक लंगड़े को ठीक करने के बाद पतरस और यूहन्ना लोग कहते हैं, हे लोगों हमको क्या देखते हो, जैसे हमने अपनी ताकत से ठीक किया, उस नाम पर विश्वास करने की वजह से ये भी चंगा हो गया। याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी वजह से नहीं, उसके नाम पर विश्वास करने की वजह से चंगा होगा। आमीन। डोंट पुट योर राइटियसनेस, इसीलिए बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति विवाह में शादी के कपड़े पहनकर नहीं आया, उसे पूछा क्या तू कहां जा रहा है, तेरे पास वस्त्र नहीं है, वहां पर हमारे कपड़े नहीं चलते हैं, वहां पर यीशु मसीह के वस्त्र चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज ये सारी सेल्फ राइटियसनेस निकाल के फेंक दीजिए और उस धार्मिकता पर विश्वास कीजिए जो यीशु मसीह में है। वो मेरे लिए बड़ा, वो मेरी धार्मिकता है। प्रार्थना करते समय ये मत सोचो कि मैं कितना लंबा प्रार्थना कर पाऊं, प्रार्थना करने के लिए ये सोचो कि प्रभु किससे दुआ करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ के रिमाइंड अप करूंगा, उसके बाद हम इवनिंग में मिलेंगे। जब परमेश्वर आपको तोड़ने की कोशिश करता है तो क्या आप सब रोक होता है? एक दिन मैं गांव में गया जहां मैं ठहरा था, वहां पर पूरे पकड़े थे और मैं गुरुराने के लिए टेंट हो रहा था कि जिसने मुझे बुलाया है ना, मैं उसको इधर रखता है। लेकिन जैसे वो आए मुझे खुदा ने कहा, तू जानता है कई बार पौलुस को लोग बुलाकर उसे रिसीव करने नहीं जाते थे, उसके हिसाब से मुझे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिली। चुप हो गया और मेरे 3 दिन ऐसे करके निकाले। जब मैं घर पर आया तो मेरी पूरी पीठ लाल थी और मैंने खुदा को कहा, खुदा तूने मुझे पौलुस से बेहतर रखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको पता है कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशंस में देकर आपको तोड़ने की कोशिश करता है। आपकी सबसे बड़ी गवाही ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल गया वो मिल गया, आपकी सबसे बड़ी गवाही ये होनी चाहिए खुदा में मुझे दीन होना, बढ़ना, करना। आमीन। एक व्यक्ति को रोम की सरकार ने ऐसे बॉक्स में बांध दिया, यहाँ पानी, उस पूरे पानी में सन्नास टॉयलेट लिप्स, परमेश्वर की आवाज आती तक गई, तुझे कुछ लिखना है। उसे क्या करूँ, मेरे हाथ में दर्द है, मैं लिखूँगा कैसे? वहां पर एक फ्रास बैठा हुआ है, तू बोल वो लिखेगा। उसने एक फ्रास से कहा, उठा कर और वो यहाँ तक गंदा हुआ था, जो पानी यहाँ तक था उसे पूरा टॉयलेट था, सिर्फ प्रभु का प्रचार करने की वजह से वो इस तरह की सजा काट रहा था और वो गंदा हुआ था। और वो अपनी फ्रास में कहता, लिख जो मैं कह रहा हूँ। जाते उसने क्या लिखा, लिख प्रभु ने सदा आनंद पाओ। आज एयर कंडीशन में रहने वाले भी घुटड़ा थे, ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी पत्नियां पति को बोलती है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कभी आपको पता है उसकी कंडीशन क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी कर्जा देंगे मजे मत करना, कभी भी। सोचो अगर यीशु मसीह पृथ्वी पर होता तो क्रेडिट कार्ड यूज करता? डेबिट, यस, वो अपने पैसे यूज करता, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं करता, कभी नहीं। लेकिन आज के विश्वासी करते, आज के विश्वासी ब्याज पे पैसा भी चलाते, आज के विश्वासी, मैं कुछ सच कहता हूं, वो शेयर्स भी खरीदते, डिसेंट जुआ करते। उनके लिए ये प्रेशर उनके सामने लो हो चुके हैं। 15 या 22 साल में प्रभु के पर्वत पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा होगा जो
इसलिए नेमिया कहता है तुम्हारे जीवन से बुराई दूर नहीं होती क्योंकि तुम अपने भाइयों से प्याज को पैसा लेते हो। आप देखो नेमिया में बस कहते हैं तोड़ो के दुष्टांत में लिखा गया है कि तूने क्यों रखा प्याज क्यों नहीं लिया। वो दुष्टांत गिफ्ट से लिखा गया है उसको किधर यूज कर रहे हो जुआओं में। सोच बी अ ब्रोकन वेसल परमेश्वर से कहिए प्रभु में टूटने के लिए तैयार। आज के बाद लोग मुझे कुछ भी कहेंगे ना मैं चुप रहूंगा शांत रहूंगा। आमीन। झगड़ा तब होता है ये हाथ है ये हाथ है जब ये लड़ते हैं तब आवाज आती है। सोचो इस हाथ में ये हस्बैंड और वाइफ है ठीक है ये दोनों लड़ाकू हैं दोनों लड़ते थे दोनों लड़ते थे इनमें से कोई भी टूटने के लिए तैयार नहीं है। सोचो अगर एक वाइफ रेडी हो जाए आज से मैंने और सोचो अगर दोनों ये सोच दोनों को मरना है मैंने किसी मैरिज हुई मैंने अपनी वाइफ को पहली रात सिर्फ एक चीज कही मैंने कहा मुझे पूर्ण डिमांड नहीं है कोई डिमांड नहीं है उससे सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ नम्रता से चले। और आज भी बेड पे जाने से पहले हम एवरीथिंग नाइट एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुझे मुझसे विश है अगर है तो मुझे बोला बोलो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसके ऊपर गौर करने की पर कभी नफरत रख के बस चलिए ना एक लास्ट बात यीशु ने कहा उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें छत से नीचे उतरना पड़े। सोचो एक हस्बैंड और वाइफ का एक रात आपस में झगड़ा हो गया और छत में गुस्से में आके हस्बैंड बोलता है आपको पता है गांव के लोग आप लोग छत से हस्बैंड ने उसने डिसाइड किया वो है ही झड़ा रूम के साथ सोएगा नहीं पाला मैं ऊपर जा रहा हूँ चल जाना और वो ऊपर सो गया खाद लेकर सुबह उठा जैसे उसने आसमान को देखा अरे बाप रे यीशु क्या रे जैसे यीशु आ रहा था उसको क्या लग रहा था पांच वाला लड़का उठा लिया क्या पर वो देख रहा था उसको पुल नहीं कर रहा था ये जादू
चुनती होंगी ये बातें आपको क्या सच्चाई है। चलिए चलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। और हम यहाँ पर सेशन पूरा